गोवर्धन पूजा के क्या हैं फायदे? आखिर क्यों की जाती है गोवर्धन की पूजा? अन्नकूट प्रसाद से गोवर्धन और भगवान श्री कृष्ण को क्यों लगाते हैं भक्त भोग? पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 3:17 से लेकर शाम को 5:24 तक। नमस्कार, मैं संजय मग्गू और आप मेरे साथ देख रहे हैं देश रोजाना। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गोवर्धन पूजा का महत्व, गोवर्धन पूजा की विधि व गोवर्धन पूजा ब्रज क्षेत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है उसे किस प्रकार मनाएं, इसके सभी के बारे में कुछ सवालों के साथ। हमारे बीच आज मौजूद हैं पंडित वैभव यश शास्त्री जी, जिनसे हम गोवर्धन पूजा के बारे में जानेंगे। पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो आप यह बताएं कि ब्रज का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है गोवर्धन पूजा जी, तो इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, शुरुआत कैसे हुई, किस रूप में मनाया जाता है, क्या करना चाहिए हमें, इन सब सवालों के साथ आपके साथ होंगे। सबसे पहले मैं बताएं कि गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है जी। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से आपने जो प्रश्न किया वो बहुत अच्छे से सभी को बताना चाहूंगा। वंशी विभूषित करा नवनी हृदाबाद पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मगु साहब, मैं आपका पुनः आपके स्टूडियो में आने पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने दर्शकों को ज्ञान के लिए और इस मंगलमय कामना के लिए और सबको जो है अवगत कराने के लिए इन त्योहारों के बारे में आप रोजाना हमारा ये त्योहारों के कार्तिक माह तो वैसे ही हमारा त्योहारों का माह है, मास है। और एक बात और मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि कार्तिक मास में हम कोई भी दान पुण्य इत्यादि करते हैं तो वो हमें उसका फल जो है दुगना मिलता है। ये मास हमारे ठाकुर जी को, लीलाधर को, कन्हैया लाल को बहुत प्रिय है। और आपने बात करी, मैं आपके चैनल से, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि गोवर्धन पर्व के बारे में, तो मैं जिस प्रकार बता रहा था कि गोवर्धन जो पर्व है वो द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जब वो ब्रजधाम में आए, तो ब्रजधाम के अंदर, अच्छा मैं एक और आपको बता दूं, अवगत करा दूं कि हमारा पलवल क्षेत्र भी, जहां आपका ये स्टूडियो है, ये ब्रज क्षेत्र के, हाँ हम लोग ब्रजवासी हैं, हमारा सौभाग्य है कि हम सभी ब्रजवासी, हाँ जी, ये ब्रज क्षेत्र के अंदर ही आता है। तो और इस क्षेत्र में एक जब ब्रिज की यात्रा होती है तो श्री पंचोटी धाम के भी दर्शन कराने के लिए लाया जाता है रसिक लोगों को परिक्रमा में जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब द्वापर युग में ठाकुर जी का जन्म हुआ और जब वो ब्रिज धाम में पधारे तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर सिर्फ राजा इंद्र की पूजा होती है, इंद्र देवता का पूजन होता है, ये ब्रिजवासी सब इंद्र देवता का पूजन करते हैं, तो उन्होंने इंद्र देवता का पूजन वहां पर बंद करवा दिया। तो ब्रिज क्षेत्र के अंदर गिरिराज पर्वत है, आप सभी को मालूम है, तो उन्होंने गिरिराज पर्वत का पूजन चालू करवा दिया। जब गिरिराज पर्वत का पूजन चालू कराया तो सभी लोग ब्रिजवासी जो है गिरिराज पर्वत की पूजन में जो है उन्होंने उनकी जो है गिरिराज महाराज जी की पूजा शुरू कर दी। तो इंद्र को गुस्सा आ गया, इंद्र भयभीत हो गए। अब जब इंद्र को गुस्सा आया तो इंद्र ने जो है एक दिन अपने भयंकर रूप में आकर ब्रिज क्षेत्र में इतनी वर्षा करी, बहुत वर्षा करी। और जब देखा ठाकुर जी ने कि पूरा ब्रिज क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया है, डूबने वाला है, और गोवर्धन पर्वत जो ये सारा ब्रिज क्षेत्र है, तो भगवान ने अपनी इस जो है उंगली से पूरा जो है गिरिराज पर्वत उठाया और सभी ब्रिजवासियों को उस पर्वत के नीचे, हाँ जी, कनिष्का उंगली पर जी, और सभी को जो है अपने पर्वत के नीचे गिरिराज पर्वत
उठाया और सारे ब्रिजवासी उसके नीचे आ गए जब ब्रिज नगरी डूबने वाली। इंद्र को पता लगा कि ये तो विष्णु अवतार, भगवान विष्णु के जो हैं ठाकुर जी श्री कृष्ण ने, श्री बांके बिहारी लाल जी हैं और जिन्होंने इस तरह से किया है। तो तब इंद्र देवता शांत हुए और उस दिन से जो है ये गोवर्धन महाराज का पूजन जो है चालू हुआ। और अभी तक ब्रिज क्षेत्र में क्या हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर दीपावली के दूसरे दिन जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की, कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पर्व मनाया जाता है और दुग्ध धारा चढ़ाई जाती है और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है और दोपहर में अन्नकूट का भोजन होता है, भगवान को भोग लगता है। अन्नकूट के अंदर जिस प्रकार बाजरा, कड़ी और पत्ते इत्यादि की सब्जियां जो है भोग लगता है और साय वेला के समय सब अपने घर के अंदर माताएं गोबर से गोवर्धन महाराज को जो है बनाती हैं और उनका जो है पूजन करती हैं और उसके पश्चात जो है फिर रात्रि में उनकी आरती इत्यादि करके प्रसाद पाती हैं। अन्नकूट का क्या विशेष महत्व है जो अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है? जी, मैंने अभी आपको प्रायः बताया कि द्वापर के अंदर जब ये कथा मैंने ब्रिज की बताई तो उस समय गोवर्धन पर्वत उठाने से पहले ठाकुर जी ने जो है अन्नकूट, जब गोवर्धन पूजा हुई तो उस समय पे जो है अन्नकूट बनाया गया और उस समय जो गिरिराज धरण जब उठाया, गिरिराज पर्वत जिसको आप बोलते हो, गिरिराज धरण जब उठाया तो उस दौरान जो है ठाकुर जी ने सबको अन्नकूट बनाने का जो है भोजन बना के उस दिन इनको भोग लगाया गया था, तभी से ये प्रथा जो है मोटा प्रसाद जल्दी बन गया। हाँ जी, तभी हाँ जी, तभी ये प्रथा अभी तक सुपाच्य भी है, हाँ जी, चलती आ रही है। जी, किस प्रकार से गोवर्धन जी की पूजा करें, किस प्रकार से किस जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा। आप सभी लोग अपने घर के अंदर साय वेला के समय गोवर्धन भगवान को बहुत बढ़िया गोवर्धन से जो है गोबर से बनाए, उनका प्रतिमा बनाई जाती है, उनका पूजन किया जाता है, प्रसाद वितरण होता है। साय 6 बजे से गोवर्धन पूजन का समय जो है चालू होता है और आप बहुत खुशी से मनाएं और अपनों के संग मिलकर, अपने परिवार के साथ मिलकर मनाएं। और मगु साहब, मैं आपके चैनल से सभी को जो है इन त्योहारों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और पंडित जी, गोवर्धन पूजा के दिन जी हम ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए हैं खासकर जी, और ब्रजवासियों को इस दिन और क्या करना चाहिए जिससे ठाकुर जी कृपा बनी रहे जी, और क्या क्या उपाय करने चाहिए, किस विधान से पूजा करनी चाहिए जी? मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा आपके दौरान आपके सभी दर्शकों को कि ब्रिज क्षेत्र के अंदर अब ये कार्तिक मास चल रहा है तो मानो आप दर्शन करने जाओ, शरद पूर्णिमा से ये चालू होता है, आप दर्शन करने जाओ तो जाके देखिए ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा है ब्रिज क्षेत्र में। तो गोवर्धन जी की परिक्रमा भी चल रही है, अभी हम गोवर्धन जी की ही आपको मैंने सारी लीला बताई। तो गोवर्धन परिक्रमा लगाने का बहुत सौभाग्य होता है, कृष्ण कुंड और राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। उसके प्रांत में ये बताना चाहूँगा कि इस दिन श्री वृंदावन धाम के अंदर महारानी यमुना जी में दीपदान की भी प्रक्रिया है और देश प्रदेश से लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं और आकर यमुना महारानी जी में सायंकाल के बाद दीपदान करते हैं। और दीपदान करने का महत्व ये है कि इससे यमुना महारानी जी तो प्रसन्न होती होती हैं, साथ में हमारे पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो ये थे हमारे साथ पंडित वैभव यश शास्त्री जी, जिन्होंने हमें गोवर्धन पूजा के महत्व के बारे में बताया, क्यों की जाती है इसके बारे में बड़े विस्तार से जानकारी दी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को समय समय पर आकर विशेष पर्व त्योहारों के बारे में आप बताते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोवर्धन पूजा के क्या हैं फायदे, आखिर क्यों की जाती है गोवर्धन की पूजा, अन्नकूट प्रसाद से गोवर्धन और भगवान श्री कृष्ण को क्यों लगाते हैं भक्त भोग,
पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 3:17 से लेकर शाम को 5:24 तक।